ये पैराग्राफ 9 पे आ गया मैं सीधे। जब भी आप डाउनलोड करो ये पिटीशन ये पीडीएफ तो सीधे पैरा 9 पे आ जाना, 178 वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी एपीओ से रिलेटेड बड़ी अपडेट आ रही है। इस अपडेट में आपको वैकेंसी का पता चलेगा और आयोग को डायरेक्शन भी दिए हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट है कि आपको बताना पड़ेगा कि वैकेंसी कब तक करवाओगे, विद इन अ वीक, और उसमें सब कुछ आता है, मैं डिटेल में बात करूँगा। और ये रिट पिटीशन नंबर है, मैं बता दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो यूपी हाईकोर्ट की साइट पे जाके, और ख़ुद भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। मैं रीड नहीं करूँगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूँगा जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटा मोटा तो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड मैटर है तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, बट इसमें हाईकोर्ट ने बोला भी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आपका बेनिफिट हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि वैकेंसी कितनी है, और डायरेक्शन भी मिल गए हैं कि जल्दी आपको बताना पड़ेगा कितने टाइम में आपको वैकेंसी करवानी है। यूपी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, जीके का भी लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और यूपी में मैं आपको बता देता हूँ, यूपी में नए लॉ आपको देखने को मिलेंगे सिलेबस में, हो सकता है इसलिए वैकेंसी डिले चल रही हो कि नए लॉ ऐड करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अमेंडमेंट में प्रोसेस लंबा लगता है, और अभी आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन है और इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे जल्दी, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो सरकारी कामकाज जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे और आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैसे भी डायरेक्शन दे दिए हैं तो पहले सबसे पहले इसकी बात करते हैं और बाकी और बात करेंगे। सबसे पहले केस नंबर देखो, कोर्ट नंबर है 39, रिट नंबर है 7971/2024, पिटिशनर है विकास सिंह एंड 21 अदर, ठीक है। रेस्पॉन्डेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, ये याद रखना रेस्पॉन्डेंट कौन है क्योंकि अपन पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। अब सीधे पॉइंट पे आता है, ये पैराग्राफ 9 पे आ गया मैं सीधे। जब भी आप डाउनलोड करो ये पिटीशन ये पीडीएफ तो सीधे पैरा 9 पे आ जाना, आपको ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई पेपर में तो आएगा नहीं। मेन मुद्दा ये है कि क्या है इसमें, 178 पोस्ट आर करंटली वैकेंट इन स्टेट ऑफ यूपी, इट इज़ लीडिंग टू एन अनहेल्दी इनबैलेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग कोर्ट नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अवेलेबल टू वर्क दैम। द कोर्ट इज ऑल्सो अवेयर ऑफ लार्ज पेंडेंसी ऑफ केस, अर्जेंट नीड टू फिल द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर टू अलाउ फॉर स्मूथ एंड मोर, मतलब हाँ वही एक ही बात है, इन्होंने बोला है कि 178 पोस्ट वैकेंट है, इसके कारण पेंडेंसी बनी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ केस पेंडिंग है और जस्टिस डिले हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए तो उन्होंने ये बात कही है 178 पोस्ट वैकेंट है, 178 वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 178 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यूपी के हिसाब से 178 वैकेंसी कम है, यूपी काफ़ी बड़ा है, कोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अधिकारियों की नीड होगी, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 178 वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी, ये तो इसमें मेंशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें डायरेक्शन क्या दिए हैं, अब देखो मतलब पॉइंट 12 पे आएंगे अपन सीधे। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ, पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, और इसमें डायरेक्शन क्या दिया है, पहला पॉइंट अपना काम का नहीं है, सीधे सेकंड पॉइंट पे आता है, विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग वैकेंसी पोजीशन ऑन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आल्सो इट मे कॉल फॉर रेस्पॉन्स फ्रॉम कमीशन एज टू एक्सपेक्टेड टाइम टू रिक्वायर टू फिल अप, एक्सपेक्टेड टाइम टू रिक्वायर फिल अप दोज एग्जिस्टिंग वैकेंसी, द कमीशन एंड रेस्पॉन्डेंट नंबर टू शैल बाउंड टू सबमिट, वापिस पढ़ देता हूँ, शैल बाउंड टू सबमिट देयर रेस्पॉन्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम द डेट इट इज बीन कॉल्ड। समझ में नहीं आया तो हिंदी में बता देता हूँ सब, कि इनको विद इन अ वीक बताना पड़ेगा जब से इनको कॉमर्स को बुलाया, कि ये एग्जिस्टिंग मतलब एक्सपेक्टेड टाइम दैट रिक्वायर टू फिल अप दोज एग्जिस्टिंग वैकेंसी, मतलब आपको कितना टाइम लगेगा ये वैकेंसी जो वैकेंट है 178 इनको फिल करने में, तो इनको बताना पड़ेगा प्री कब कराएंगे, मेंस कब कराएंगे, इंटरव्यू कब कराएंगे, पूरा प्रोसेस लेके जाना पड़ेगा। जब हाईकोर्ट का डायरेक्शन जाता है बिल्कुल उसको मानना पड़ता है, चाहे आचार संहिता हो चाहे कुछ और हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, और 1 वीक के अंदर तो वैसे भी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, तो आचार संहिता हट भी जाएगी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा। चैनल से जुड़े रहो, जो भी जवाब आएगा गवर्नमेंट का मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी, अपकमिंग वैकेंसी सब अपडेट देता हूं, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रख लो, चैनल की बात एंड में करेंगे। तो ये है, तो
अब देखो क्वेश्चन ये भी आता है कि नए लॉ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ नए लॉ ही पढ़ के जाना, और 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नए लॉ, तो अब जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें नए लॉ मेंशन होंगे, और यूपी में हायर जुडिशरी में नए लॉ मेंशन कर दिए हैं, तो आपको यूपी में मान के चलो 99% आपको नए लॉ ही देखने को मिलेंगे। तो चीज़ का ध्यान रखते हो आप, नए लॉ ही पढ़ो यूपी की अगर तैयारी कर रहे हो, यूपी सिविल जज यूपी एपीओ की, नए लॉ पे ही फोकस करो, और बहुत कम चांसेस हैं, मैं तो मान के चलता हूँ ना के बराबर चांसेस हैं, फिर भी 1% चांस कह देता हूँ कि हो सकता है पुराने लॉ से पेपर हो जाए, बट लगता नहीं है क्योंकि हायर जुडिशरी में ऐड कर दिया और 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। बोलोगे सर राजस्थान में कैसे हो रहा है, राजस्थान में वैकेंसी पहले आई थी और एपीओ के जो रूल थे राजस्थान में वो अमेंड हुए थे कुछ दिन पहले ही, और इसलिए क्योंकि राजस्थान में एपीओ में पहले एक ही पेपर होता था, प्री मेंस नहीं होता था, तो इस बार प्री मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। सिलेबस चेंज हुआ है राजस्थान में एपीओ का, 181 वैकेंसी थी, उसके फॉर्म फिलअप हो गए हैं, जनवरी में डेट आई है, 16 जनवरी है शायद, तो उसका मैंने बता दिया वैसे बना के वीडियो, तो उसका आप आरपीएससी की साइट पे जाके देख भी सकते हो। आप बोलोगे सर कौन से लॉ पढ़ने हैं राजस्थान एपीओ के लिए, देखो जो लॉ मेंशन है सिलेबस में जो अमेंडमेंट होके आए हैं आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। इसका आपका ये नुकसान हो रहा है कि बीच में अमेंड हो सकता है लॉ, कि नए लॉ ऐड कर दें ये लोग, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको पुराने लॉ पे ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मेंशन है। तो स्मार्ट वर्क करो, दोनों लॉ पढ़ने लग जाओ, नए लॉ भी पढ़ने लग जाओ पुराने लॉ भी पढ़ो, क्योंकि राजस्थान वालों को तो पढ़ना पड़ेगा, आरजेएस में भी पुराने लॉ ही आ रहे हैं प्री में, अगर प्री निकलती है तो मेंस में भी पुराने लॉ ही आएंगे, बीच में सिलेबस चेंज नहीं करेंगे आरजेएस का, एपीओ का होने के चांसेस है कि नए लॉ ऐड करते हैं, इसलिए नए लॉ आप पढ़ो, नए लॉ पे फोकस करो जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और अभी काफ़ी टाइम है आपके पास एपीओ के लिए, और यूपी एपीओ में तो अगर आप पढ़ रहे हो वहीं यूपी के हो, आप यूपी पे ध्यान देते हो, पूरा यूपी का ही फोकस है, तो नए लॉ पे पढ़ने लग जाओ। 178 वैकेंसी है और यूपी के हिसाब से कम वैकेंसी लग रही है मुझे, पर ठीक है, फिर भी ना मिले आपको ये तो मैं ये 3 फोटो भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, हाय हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। और इस चैनल की बात करें तो चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो रेलवे में भी बताई है मैंने, अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर दिसंबर के आसपास, लॉ की वैकेंसी है और SBI की मैंने बताई है, जैसे आचार संहिता हटेगी SBI में लॉ की वैकेंसी आ जाएगी, SBI नहीं सेबी में, सॉरी सेबी में लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आ जाएगी, उसकी मैंने अपडेट दे दी थी आपको बहुत पहले, और जैसे वो वैकेंसी आएगी उसका ही बता दूंगा मैं, और शायद उसमें रजिस्ट्रेशन मांगता है और अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते सेबी में, तो जो भी होगा जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल नोटिफिकेशन बात करेंगे। ऐसे JV ने मतलब बिजली विभाग में भी JLO की वैकेंसी आएगी, बात का ध्यान रखना, जैसे आचार संहिता हटेगी, क्योंकि मैटर पहले ही पहुंच चुका था गवर्नमेंट को, सारी फाइलें कंप्लीट है, डिपार्टमेंट ने सब कुछ भेज दिया था, साइन करना बाकी था मंत्री साहब का, तो आचार संहिता लग गई, मंत्री साहब चाहते तो कर सकते थे, राजस्थानी गवर्नमेंट चाहती तो कर सकती थी, वैकेंसी निकाल सकती थी, बट वो साइन नहीं हुए, इस कारण जितना मुझे आइडिया है कि सारी चीज़ें पहुंच गई थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी, क्योंकि वो चार्ट भी आ गया था, मैंने आपको बता दिया था कितनी वैकेंसी आ रही है बिजली विभाग में, जो राजस्थान वाले हैं वो बिजली विभाग के JLO की तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस सब बता रखा है ना चैनल पे, अपडेट है, आप लोग देख लो जाके, फिर भी कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।